अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज आपको मैं पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वेलफेयर क्लिनिक के बारे में बताना चाहती हूँ। ये पाकिस्तान का बड़ा सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है और ये हॉस्पिटल भी है और यहाँ पर स्टूडेंट्स स्टडीज़ भी करते हैं और डिग्री कॉलेज है ये। बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर, एजुकेशन हासिल करते हैं और अच्छे कामयाब डॉक्टर बन के जाते हैं। इस कॉलेज के सामने मेडिकल स्टोर भी हैं जो कि होम्योपैथिक से रिलेटेड मेडिसिन भी सेल करते हैं, तो आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी यहाँ पर आने में। ये इंटर बोर्ड ऑफिस है और आप आइए यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर और भी शॉप्स हैं जहाँ पर मेडिसिन आसानी से मिलती हैं और ये होम्योपैथिक का इलाज होता है। ये अच्छे डॉक्टर बनते हैं और बहुत कामयाब डॉक्टर्स होते हैं और बहुत अच्छा इलाज करते हैं और पायदार इलाज होता है इसका। जो भी डिसीज होती है उसको प्रॉपर ख़त्म करते हैं, इतना अच्छा इलाज होता है। चलें मैं आपको और शॉप्स वगैरह दिखाती हूँ, मेरे साथ रहिए गाइस। ये जिना गवर्नमेंट कॉलेज है, ये नाज़माबाद में कराची में ही सेंट्रल के सामने ही है। ये बॉयज़ कॉलेज है, यहाँ पर बॉयज़ ट्रेनिंग लेते हैं, वो यहाँ से डॉक्टर बन के आते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल उसके सेंट्रल पाकिस्तान सेंट्रल के सामने ही है गाइस। देखें ये मेडिकल स्टोर है, होम्योपैथिक मेडिसिन्स यहाँ पे मिलती हैं, पूरी स्ट्रीट बनी हुई है। जिना यूनिवर्सिटी बराए ख्वातीन भी है यहाँ पर। ये देखें शॉप से सारी, ये देखें ये न्यू इमरान होम्योपैथिक स्टोर है, उसके बराबर में सुपर जर्मन होम्योपैथिक स्टोर है। यहाँ बहुत अच्छी जर्मन की मेडिसिन्स मिलती हैं गाइस। ये देखें यहाँ पर मसूद की मेडिसिन्स मिलती है, ये भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स है, बहुत अच्छी है ये मेडिसिन। देखें गाइस यहाँ पर मसूद की होती है, शाबे की होती है, अलग अलग कंपनीज की मेडिसिन्स होती हैं और ये सब बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है गाइस। अब आप इसी तरह बने रहें और अपनी दुआओं में याद रखें। आज का टॉपिक मेरा मेडिसिन से मुतालिक था जो कि होम्योपैथिक से रिलेटेड थी। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और अच्छे कमेंट्स दीजिएगा और फुल वीडियो वॉच करिएगा, ठीक है। फिर अब नए टॉपिक के साथ मैं आपके पास आऊँगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।